हजारों बच्चे लाइन में खड़े थे इंटरव्यू के लिए, 15-15 सेकंड का इंटरव्यू था। इंटरव्यू इतना था कि उसे पढ़ना है, और लड़कों उसका कोई क्वांटिफिकेशन नहीं था, उसको सिर्फ वो जो उन्होंने लिखा हुआ था वो पढ़ना था। पैकिंग का जॉब था, तो मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी को वो बेवकूफ बना पाएंगे। ये जो सामने वाला कब्रिस्तान है, हर चार दिन के बाद एक मैयत आती थी, एक मैयत के ऊपर दूसरी मैयत दफनाई जाती थी। कोई मतलब था उसका? दो फुट खड्डा मारो और हाथ में मिट्टी पकड़ो, आपके हाथ में मिट्टी रुकेगी ही नहीं, गिर जाती है। बात यह है कि बारिश गिरी, मिट्टी का और बारिश का संबंध है कि नहीं है? बारिश गिरेगी मिट्टी में कीचड़ होगा। आप जब बहुत धूप होती है तो आपके किसी भी रिश्तेदार की अगर कब्र है तो उस पर पानी डालने जाते हैं, क्यों? ठंडा रहने के लिए। अगर अल्लाह खुद पानी बरसाता है ठंडा करने के लिए, तो फिर उसको आपको बुरा बोलने का किसने दिया? ये तो अल्लाह की मेहरबानी ना, बारिश ही नहीं गिरे तो हो गया काम तमाम, फिर सब उधर ही जल्दी जाना पड़ेगा, और वो कब्र ठंडी भी नहीं होती। देखो ये मौसम है, धूप में आप अपने हाथ से पानी डालते हैं और बरसात अल्लाह अपने हाथ से पानी डालता है, उसका शुक्रिया अदा करने से आप उसको खुश कर सकते हो। आप ये कहके कि पानी भर रहा है, इसका मतलब आपको दिमाग ही नहीं है। पानी जितेंद्र आवाज नहीं गिराता है ना, पानी तो ऊपर वाला गिराना है। क्या बोलने वाले के मुंह से कहां लगना है यार, जिनको कुछ काम ही नहीं करना है। कब्रिस्तान तो सब देखे हैं, नया कब्रिस्तान, नया कब्रिस्तान किसने देखा है? कोई गलती देखी है अपनी उसने? जरा जोर से बोलिए ना, तो बाकी ऐसा है, देखो जैसे इन्होंने कहा था कि एक सुंदर तस्वीर निकालो, बोलो गलती है कितनी है, दो दिखाएंगे, एक दो। सर मैडम ने भी कहा के अपनी मादरी जबान में यानी कि मदर टंग में एजुकेशन होना चाहिए, और उर्दू स्कूलों का हाल सर मुमरा में बहुत बुरा है, तो आने वाले कार्यकाल में आप क्या करेंगे उसके लिए? ऐसा है कि उर्दू स्कूल अब गवर्नमेंट स्कूल ओपन करने के दिन अब चले गए, गवर्नमेंट इतना कफल्लक हो गया है तो माल डालेगा ही नहीं, और अब मुमरा में जितने भी स्कूल के प्लॉट हैं मेरे आने के पहले ही दादा भाई लोगों ने वहाँ पे बिल्डिंगें बना ली थी, तो आगे क्या होता है देखेंगे। और स्कूलें खोलेंगे घास वाला में, हम लोग स्कूल खोल रहे हैं, एक नई स्कूल अब मित्तल में जो जगह है वहाँ पे खोल रहे हैं, ऐसे दो तीन स्कूलें खोल रहे हैं हम लोग। सर जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सियासत में एक नया आपकी पार्टी पर हमला किया गया है बीजेपी की तरफ से, इलेक्शन को देखकर कहा जा रहा है ये, तो सर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को क्या ऐसा नहीं कि बीजेपी अब अपना हथियार बना के इस्तेमाल करिए सारे मौकों? शरद पवार जी का कोई संबंध नहीं, लेकिन उन्होंने शरद पवार जी का नाम खींच लिया, तोता बना के रखा है, उसके मुंह से जो बोलना है आप बीजेपी को बोलना है वो तोता बोलता है। सर पूर्व जल आवरण मंत्री एकनाथ खड़से ने भी शरद पवार साहब के बारे में कहा कि उनका कोई भी फैसला नहीं था ऐसा मैं जानता हूं, तो सर बीजेपी खुद समर्थन में उतर गई है पवार साहब के, तो क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी समर्थन में नहीं, कुछ लीडर सर बीजेपी के, क्योंकि उनको मालूम है तकलीफ क्या होती है, जब आदमी किसी जिसका हाथ ही नहीं है उसको आप सिर्फ सियासत में बर्बाद करने के लिए अगर ऐसा काम करते हो तो अच्छी बात नहीं।
और सर पिछले दिनों एक लीडर ने, मुमरा की एक लीडर ने बयान दिया है कि जितेंद्र अहवाल लोगों से कनेक्टेड है, वो खुद हमले करवाते हैं, खुद काम करवाते हैं, फिर उसमें मरहम रखने पहुंच जाते हैं, तो सर क्या जवाब देंगे? मैंने किस पे हमला करवाया? ऐसा है, ये लोग जो बोलते हैं ना भाई, मैं उनके नाद में भी नहीं लगता, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, मैं देखता भी नहीं उनकी तरफ, क्योंकि तुम झूठ बोलने वालों का मुंह कभी भी बंद नहीं कर सकते हो। वो तो उनको दिया है, अल्लाह की देन है उनको, कि तुम ये शैतानों जैसी बात करो। मैं तो सिर्फ अल्लाह की सुनता हूँ, मैं शैतानों की नहीं सुनता। आखिर में सर, विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उमरा की जनता को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या वोट देना चाहिए? वोट देंगे। पिछले बार 50,000 से जीता था, इस बार 1,00,000 से जीतूंगा, क्योंकि जो प्यार मुझे लोगों के आंखों में दिख रहा है, वो मेरा हौसला और बुलंद कर रहा है।